शहर के गुंदातट स्थित सेंट थॉमस चर्च में प्रभु यीशु का जन्मदिन क्रिसमस धूमधाम के साथ मनाया गया। सैकड़ों अनुयायियों की मौजूदगी में केक भी काटा गया। कैरोल गीत गाकर खुशियां मनाई। फादर के एस डावर ने सभी को जन्मदिन की बधाई दी। महाराष्ट्र से आए दल ने जन्मदिन की खुशियां भरे कैरोल गीत गाए। फादर डावर ने सभी को मसीह भाईचारे को मजबूत बनाए रखने और प्रभु यीशु के बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। प्रार्थना सभा हुई और प्रभु यीशु की महिमा का गुणगान किया गया। क्रिसमस को लेकर चर्च पर विशेष साज सज्जा की गई है। रात के समय रंग बिरंगी विद्युत तुलिकाएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। पहले हमारे जिले के सभी प्रशासन के अधिकारी से लेकर सारे कर्मचारी को और जिले के सारे वासियों को मैं क्रिसमस की हार्दिक बधाई देता हूं। और विशेष करके हमारे कोतवाली थाने से TI जो हमारे मंडलोई जी, उनके लिए भी विशेष बधाई और धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में पूरा सहयोग किया, रात में आके खड़े रहे और सारा सहयोग किया और सारी बातों में उन्होंने सुरक्षा प्रदान किया। मैं और अधिकारियों के लिए भी बधाई देता हूँ पहले तो, और क्रिसमस के उत्पत्ति में जो उन्होंने हमारे सहयोग किया, सबको ईश्वर आशीष दे और उनके परिवार को ब्लेसिंग करे। आज जो हमारे क्रिसमस 25 तारीख है, यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जा रहा है और ये जो यीशु मसीह का जन्म दिवस है, विशेष करके बहुत साल पहले भविष्यवाणी किया था, क्योंकि जैसे परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया, आदम और हव्वा दोनों एक नर नारी बनाए, परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया ये आज्ञा को पालन करना, और परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने पालन नहीं करा और शैतान की बातों में आकर उन आज्ञा को तोड़कर एक खुशियां और शांति का जीवन खोकर वो धरती पर किस तरह से एक दुख और परेशानी उठाने लगे। तब परमेश्वर ने बोला था कि एक मानव जाति की छुटकारा के लिए एक व्यक्ति का जन्म होगा, जिस यहाँ पर दुनिया में जन्म होगा। और जैसे ही जीसस का जन्म हुआ, यीशु का जन्म हुआ, तो पहले संदेश किसी को नहीं मालूम था कि बैतलहम एक छोटा सा नगर था और उसमें करीब 10-12 घर थे, ज्यादा घर नहीं था, बड़ा गांव नहीं था, छोटे से गांव में उसका जन्म हुआ। और जन्म हुआ अद्भुत रीति से, स्वर्गदूत आए और विशेष करके उन्होंने संदेश दिया। चरवाहे थे अपने भेड़ों के, जिस तरह से भेड़ लेके बाहर चराते थे, वो रात में रुके हुए थे और उनको बताया कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, वो यीशु मसीह है और उसी कारण से वो एक चरने में पड़ा हुआ तुम देखोगे, जाओ। और उन्होंने वहां पर गया, ज्योतिषी जो थे उनके हमारे देश से भी गए ज्योतिषी, और सभी सोना लोभान गंधर्व लेके गए। उनकी अगुवाई एक तारा किया, आज कहीं घरों में स्टार जो लगाया जाता है, वो स्टार इसलिए लगाया जाता है कि यीशु मसीह के समय में एक बहुत बड़ा तारा उदय हुआ, और उदय हुआ तो वो दिशा बता देगा यीशु मसीह का कहाँ जन्म हुआ। तारा उनके आगे आगे चलता रहा और ये पीछे तारे को देख के चलते रहे और यीशु मसीह को पाया, अपना समर्पण जीवन किया और सोना लोबान गंधर्व की भेंट यीशु मसीह को चढ़ाई। और ये है यीशु मसीह का समर्पण जीवन ज्योतिषों का था। और इसी तरह से सारे दुनिया में प्रभु यीशु मसीह जब बड़ा हुआ तो एक ही संदेश लेके खड़ा, हर व्यक्ति के लिए धर्म के बारे में शिक्षा नहीं दिया पर मनुष्यों को सिखाया कि उद्धार पाओ, मन फिराओ। मन का मतलब होता है जो मन के गंदे विचार हैं, बुराइयां हैं, इंसान उसी पाप में पड़ा हुआ था। यीशु मसीह इस पाप की मुक्ति देने के लिए आया और उसी कारण से वो पापों के लिए सूली पर भी चढ़ गया, ताकि उद्धार पाए, हर एक उद्धार पाए, हर एक लोग अपने बंधन से, शैतान के बंधन से छुटकारा पाए, क्योंकि शैतान के बंधन में सभी लोग पड़े हुए थे और बुराइयों में, पाप में, एक दूसरे की हत्या और मनुष्य के एक दूसरे के प्रेम नहीं था। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है, हर एक व्यक्ति का एक जीवन में प्रेम उत्पन्न हुआ तो इसलिए उसका जन्म हुआ। किस तरह के आयोजन रख रहे हैं, क्या क्या खुशी? आज हमारे यहाँ खुशी जो मना रहे हैं, बच्चे जो है डांस कर रहे हैं मसीह यीशु के गाना गा के, और हमारे यहाँ गाना गा के, गाना के लिए पुणे से बुलाया, पुणे से आए गायक, और हमारे लिए यहाँ पर प्रचार करने के लिए, जो प्रवचन देने के लिए अलीराजपुर से हमारे वक्ता आए और प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का संदेश उन्होंने बांटा और गाना भी प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश का गाना गाया। और प्रभु जी और आज अभी केक काटेंगे, हमारे विधायक महोदय के आने पहुंचने वाले हैं, वो आके केक काटेंगे ताकि केक एक दूसरे को खिलाएंगे। यीशु मसीह का जन्मदिन बर्थडे में मनाया जा रहा है ताकि सब लोग केक खाएं और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। मैं फादर KS डावर लिखता हूँ। हेलो फ्रेंड्स,
आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।